दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप सुबह उठें और उन लोगों से जो आपको बहुत पसंद करते हैं उनके लिए ये दो लाइन जरूर गुनगुनाएं कि मरूंगा जब मैं मिट्टी में खाद हो जाऊंगा, मरूंगा जब मैं मिट्टी में खाद हो जाऊंगा, खिलूंगा जब साग पर तो आबाद हो जाऊंगा, खिलूंगा जब साग पर तो आबाद हो जाऊंगा, नजर आऊंगा मैं तुझे रोज रोज, नजर आऊंगा मैं तुझे रोज रोज और एक रोज मैं तेरी याद हो जाऊंगा। मेरा नाम देव बनवाल है और आज एक छोटी स्टोरी, इस स्टोरी से आप सीखेंगे कि जिंदगी में कितना जरूरी है हर अवसर को समझना और हर एक छोटे छोटे अवसर और एक बड़े बड़े अवसरों को चुनना, क्योंकि छोटे अवसर ही आपकी जिंदगी के बड़े अवसरों को आने का आपके जीवन में सुनहरा मौका देते हैं। ये कहानी है उन दो मछुआरे की जो नदी किनारे बैठकर अपने कांटे नदी में डालकर बैठ के इंतजार कर रहे थे कि उनके कब उनके कांटों में मछली फंसे। और तब एक बड़ी सुंदर मछली और एक बड़ी मछली एक पहले मछुआरे को फंस जाती है और वो खुश हो जाता है और खुशी जाहिर करता है अपने दूसरे मछुआरे को। और उसके बाद उसको धीरे धीरे मछली फंसती जाती है। एक घंटा हो जाता है, पहला मछुआरा बहुत सारी मछली अपने डब्बे में रख लेता है, वहीं दूसरा मछुआरे के पास एक भी मछली नहीं फंसती है। तब पहला मछुआरा दूसरे मछुआरे को कहता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है या तुम मुझसे नहीं हो पा रहा तो बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वहीं दूसरा मछुआरा बोलता है नहीं, मैं खुद कर लूँगा। तो कुछ ही देर बाद दूसरे मछुआरे को भी एक छोटी मछली फंसती है पर वो उसको छोड़ देता है। यहीं पहला मछुआरा देखकर चौंक जाता है और हैरान हो जाता है कि इसको अब तक तो कोई मछली फंस नहीं रही थी, उसके बाद भी इसको मछली फंसी तो ये छोड़ रहा है। वहाँ उसके बाद उसको धीरे धीरे मछलियाँ फंसती आती है पर वो सारी बहुत छोटी होती हैं और बहुत बड़ी मछली उसको नहीं मिल पाती हैं, पर वो उनको वापस उठाता है, अपने हाथ में रखता है और फिर नदी में फेंक देता है। ऐसा देखकर पहला मछुआरा अपने आप को नहीं रोक पाया और वो पूछा उससे कि भाई तुम ये सब क्यों कर रहे हो, पहली बात एक घंटे से तुम्हें कोई मछली नहीं फंस रही है, अब जब तुम्हें मछली मिल रही है तो तुम उसको वापस नदी में क्यों फेंक रहे हो। तो जो दूसरा मछुआरा है वो बोलता है कि मुझे बड़ी मछली का इंतजार है, मैं ये सब छोटी मोटी मछली नहीं पकड़ना चाहता, क्योंकि उसने भी सामने वाले को बड़ी मछली ले जाते हुए वो देख रहा था तो वो चाहता था कि वो भी बड़ी मछली को खा ले जाए। सो पहला मछुआरा हंस कर बोला कि मेरे भाई ये मेरी किस्मत और ये मेरी मेहनत है कि मैंने कांटे में इस तरह के कीड़े लगाए कि मुझे बड़ी मछली जल्दी मिल गई और ये थोड़ी अकलबंदी है, वहीं तुमने गलती की कि तुम्हारे कांटे में इस तरीके के कीड़े नहीं लगे जिस तरीके मेरे कांटे में लगे, और यही मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। और सबसे बड़ी बात, अगर तुमको छोटी मछली मिल भी रहेगी तो तुम उसको लेकर बहुत सारे लेकर तब कम से कम अपनी रोजी रोटी और अपने घर की रोटी तो पका ही लेते, पर तुमने वो भी नहीं किया, अब तुम ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। दोस्तों ये कहानी हमें संदेश देती है कि जिंदगी में हमें कई बार छोटे छोटे अवसर मिलते हैं पर हम उनको बड़े अवसर के कारण कि एक लाइफ में नहीं एक बड़ा आएगा, एक बड़ी मंजिल में हासिल कर रहा हूँ और या बड़ी मंजिल का हासिल करते समय अगर मुझे छोटे छोटे अवसर मिलते हैं तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं। और हम में से बहुत से लोग दोस्तों इस हमारी ज़िंदगी में हमें से बहुत से लोग वो दूसरे मछुआरे की तरह होते हैं जो अपना नुकसान करा देते हैं, जो ना यहाँ के होते हैं ना वहाँ के होते हैं। इस कहानी से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ में उन छोटे छोटे अवसरों को जरूर चुनिए, उनको पहचानिए, क्योंकि वो छोटे अवसर ही आपको बड़े अवसरों का दरवाज़ा खोलेंगे। सच बताऊँ तो छोटे छोटे कदम से ही एक बड़ा कदम बनता है कि आपको अगर अपनी मंजिल में चढ़ के जाना है सीढ़ियों से तो आपको स्टेप वन से ही जाना पड़ेगा, डायरेक्ट कूद के तो कोई भी नहीं जा सकता। तो इस कहानी से अगर आपको कुछ सीखने मिलता है सो मुझे बताइए जरूर कमेंट पे। अगर कहानी आपको पसंद है सो ये भी बताइएगा और इस चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सफलता आपकी है तो मेहनत भी आपको करनी होगी, और जिस दिन आपने ठान लिया कि आपको जीतना है उस दिन ना ही आपकी किस्मत आपके साथ होगी, उस दिन ना ही हालात आपके साथ होंगे, ना ही आपकी तबीयत आपके साथ होगी, ना ही आपके लोग आपके साथ होंगे। बस आपको उसी पल आपको पीछे नहीं हटना दोस्तों, हारना मत, एक खेल की तरह करना। जिस तरह से खेल में हर चीज़ चलती रहती है, हम नया मैच खेलते हैं और उसमें हारते हैं तो हम उसके बाद दूसरा मैच खेलते हैं और फिर हम उसको जीतते हैं, तब तक हम उसको खेलते हैं जब तक उसको जीत कर लें। ज़िंदगी को जंग की तरह मत बनाइएगा कि मैं हार गया तो हार गया और जीत गया तो जीत गया। करता हूँ कि इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे और अपने आने वाले पलों में अपने आप को कामयाब बनाएंगे। धन्यवाद।
दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आप लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें उसे। थैंक यू वेरी मच।